ओके, हेलो एवरीवन। आज हम लोग को देखना है टैली का D1, और आज हम लोग को इंट्रोडक्शन समझना है। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, व्हाट इज टैली, टैली होता क्या, पहले इसको तो पहले समझ लें, है ना। तो इसके लिए एक मैंने नोट्स बना रखा है, बाकी ये तो कह ही रहा है से हेलो टैली प्राइम। तो टैली प्राइम के बारे में भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो टैली कोर्स में हमें करना क्या है, फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टैली प्राइम पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग इसमें बात करें तो सबसे पहले इसमें हमें अकाउंटिंग विद इन्वेंट्री हमें सीखना है, और साथ ही साथ टैक्सेशन में GST TDS हम लोग को पढ़ना होता है। इंडिया में चूंकि GST लगती है तो GST हमें सीखना है और TDS सीखना है। साथ ही साथ हम लोग TCS भी सीखेंगे। ओके, बात करते हैं हम लोग पेरोल की। जैसे कि सैलरी स्ट्रक्चर भी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ का टैली के अंदर, तो हम लोग पेरोल को भी हम लोग लर्न करेंगे। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन उठ जाता है, व्हाट इज टैली, टैली होती क्या है। तो टैली को आप सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो, टैली इज अ कोडलेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। सर वाई कोडलेस, ठीक है। तो कोडलेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मतलब कहीं भी, नॉर्मली मैक्सिमम सॉफ्टवेयर अगर आप देखोगे, जैसे अगर हम सैप चलाते हैं या कहीं और चलाते हैं, तो वहाँ जीएल अकाउंट, एक जीएल यानी एक लेजर भी क्रिएट करने के लिए हमें कोड डालना पड़ता है, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें क्रिएशन करने के लिए हमें बहुत सारी जगह पे कोड्स डालने पड़ते हैं, ठीक। लेकिन हम टैली की बात करेंगे, कहीं हमें कुछ कोड नहीं डालना है। हम सीधे हम क्या करेंगे, हमको अगर किसी भी चीज़ का लेज़र बनाना है, सीधे हम उसका नाम से बनाते हैं, हमें कोड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमें सपोज करो एक्सपेंस का कोई लेज़र बनाना है एडवर्टीजमेंट का, तो अगर हम सैप में या किसी और में बनाएंगे तो हमें उसका पहले कोड लिखना पड़ेगा कि मान लो 101 कोड से हम बना रहे हैं एक एक्सपेंस का लेज़र। लेकिन टैली के अंदर कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना है। टैली के अंदर सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डालते हैं, सीधे लेज़र बनाते हैं, हमें कहीं कोड डालने की जरूरत नहीं। कोड अपने आप डलता है, वो कौन करता है, वो टैली खुद कर देता है। ओके, सो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं टैली इज अ कोडलेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, वेयर वी कैन डू ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वर्क इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है ना। जो भी अकाउंटिंग के काम होते हैं लगभग हम वो सारे सिस्टमैटिक मैनर में कर सकते हैं। नाउ फाउंडर कौन है, SS गोयनका, श्याम सुंदर गोयनका, इनको फाउंडर बोला जाता है। और इनके लड़के जिनको जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, उनको डेवलपर बोलते हैं, भरत गोयनका। तो इसकी छोटी सी स्टोरी है, बस इतना समझ लीजिए कि SS गोयनका जो थे वो बेसिकली कैलकटा रह के रहने वाले थे, लेकिन फिर वो मूव्ड आउट हुए बैंगलोर में। उन्होंने अपना एक उनका एक बिजनेस था, किस चीज़ का, टेक्सटाइल का। तो टेक्सटाइल के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करना, टेक्सटाइल के लिए मशीनरी सप्लाई करना, ये उनका काम हुआ करता था। तो ये उस समय की बात है, 1980 दशक की बात कर रहा हूँ, 85-85 की बात कर रहा था। उस समय वो सोचें कि क्यों ना हम लोग अपना सारा का सारा काम क्यों ना कुछ ऑटोमेट करें, यानी कि कुछ कंप्यूटर्स पे रखें। और उस समय चूंकि नया नया कंप्यूटर्स आ रखा था और लोगों को काफ़ी एक्साइटमेंट था, प्लस इनके जो सुपुत्र थे भरत गोयनका जी, तो ये बेसिकली इन्होंने MCA किया हुआ था, इनका काफ़ी इंटरेस्ट था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। तो उन्होंने अपने लड़के से कहा कि आप मेरे लिए क्यों नहीं एक इस तरह का बिजनेस प्रोग्राम बनाते जिसमें हम लोग क्या कर सकें, अपनी सारा हिसाब किताब उस पर रख सकें। तब फिर जा करके भरत गोयनका जी ने अपने फादर के थॉट के ऊपर जा करके एक क्या किया, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया, और जो कि आज पूरे इंडिया नहीं बल्कि कई देशों में, मोर देन 100 कंट्रीज़ में यूज़ हो रहा है। हालांकि ये सॉफ्टवेयर जो बनाया था उन्होंने अपने फादर के हेल्प के लिए बनाया था, फादर के बिजनेस के लिए बनाया था, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि इट्स अ बिजनेस सॉल्यूशन, इससे बहुत सारे लोग इससे बेनिफिट उठा सकते हैं, फिर फाइनली इन्होंने इन सॉफ्टवेयर का मतलब ये सेल्स का स्टार्ट कर दी कि हम सॉफ्टवेयर हम प्रोवाइड करेंगे। और आज मोर देन 100 कंट्रीज में ये सॉफ्टवेयर बिकती है, यानी लोग यूज कर रहे हैं। अगर हम अपने आस पड़ोस के दो जो देश देखें, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इवन UK, US, USA मतलब अमेरिका में भी यूज़ होता है सर, गल्फ कंट्रीज उठा ले, दुबई, सऊदी, कुवैत, इन सब जगहों पे डाली चलती है, क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतनी स्टोरी ज्यादा काफ़ी है इतना समझने के लिए। इन्हें फाउंडर क्यों बोला जाता है, बिकॉज वो थॉट जो था ना कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर हो, वो थॉट किसका था, SS गोयनका जी का, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फाउंडर। और डेवलप किसने किया, बनाया किसने, भरत गोयनका, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपर। ओके, कंपनी नेम, कंपनी इन्होंने जो कंपनी बनाई, हालांकि इन्होंने 1986 से ही इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था, लेकिन इन्होंने अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन कब कराया, 1988 में। इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बेंगलोर में बेंगलोर रजिस्टर्ड कंपनी है। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे वेबसाइट की। तो इनकी वेबसाइट है www.tallysolutions.com। फिर हम लोग ने देख लिया था कि टैली सॉफ्टवेयर जो है ना, टैली सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक टैली एजुकेशनल कह लो, प्रोफेशनल कह लो। एजुकेशनल मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसमें सिर्फ हम 1, 2 और 31 की रेट में एंट्री कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है, जिसे ऐसे बच्चे जो पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाओ, आप टैली को इसे डाउनलोड करो,
इनकी वेबसाइट से और आसानी से आप पढ़ो। बस आपके सॉफ्टवेयर में एक लिमिटेशन होगी कि आप एक दो को एंट्री कर सकते हो और 31 को एंट्री कर सकते हो, और किसी भी मंथ के किसी और डेट में आप एंट्री नहीं कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, टैली प्रोफेशनल मतलब इट्स अ पेड वर्जन। इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जो बिजनेसमैन है उसको तो यही लेना पड़ेगा, इसके लिए हमें अमाउंट पे करना पड़ता है। ऑल डेट एक्सेप्ट, इसमें सारे डेट एक्सेप्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे कोई पूछे व्हाट इज एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल, तो आप सिंपली इतना बोल सकते हो कि सर प्रोफेशनल काम करने के लिए बनाया गया है और एजुकेशनल पढ़ाई करने के लिए बनाया गया है। एक सिंपल वे में आप इतना बोल सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या, अब अगर हम टैली प्रूफ हमें चाहिए ना, टैली हम प्रोफेशनल भी लेना चाहेंगे, पेड वर्जन लेना चाहेंगे, तो अगेन हमसे सामने वाले क्वेश्चन पूछेगा आपको सिल्वर चाहिए कि गोल्ड चाहिए। सिल्वर आप समझ लो सिंगल यूजर के लिए है, गोल्ड मतलब मल्टी यूजर के लिए। अगर मेरा बिजनेस की पूरी अकाउंटिंग एक कंप्यूटर पे हो जाए, तो हम एक कंप्यूटर रखेंगे, उस पर टैली लोड करेंगे और सारा काम हो जाएगा, तो हमें सिंगल यूजर चाहिए। लेकिन अगर मेरा बिजनेस बड़ा है और मैंने कई काउंटर खोल रखे हैं, कई बिलिंग काउंटर हैं, और मुझे एक समय में कई कंप्यूटर पे टैली चलानी है, वही उसी कंपनी में काम करना है, तो ऐसे में यानी कई लोग उसी कंपनी में बैठ के काम करेंगे, तो ऐसे केस में हमें मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर लेने पड़ेंगे। बस फर्क क्या होता है कॉस्ट का, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा सिल्वर सस्ता होता है, गोल्ड महंगा होता है, तो सेम यहाँ पे भी है। सिल्वर आपको जाहिर बात है आपको करीबन 21,000 रुपये के अप्रोक्स सॉफ्टवेयर मिल जाता है सिल्वर, लेकिन गोल्ड आप जाओगे तो करीबन आपको 60,000 से ज्यादा पे करना पड़ेगा। नाउ टैली के कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, टैली फॉर बिजनेस बिजनेसमैनों के लिए देखो क्या क्या चीजें बनाई हैं। टैली ने तीन प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक टैली ERP 9, नाउ अब उसको क्या बोला जा रहा है, टैली प्राइम। ये किसके लिए बनाया गया, स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेसमैनों के लिए बनाया गया है ना। फिर अगला प्रोडक्ट आता है टैली प्राइम सर्वर, जो इंटरप्राइज क्लास यानी बड़ी कंपनियों के लिए बनाया गया। फिर Shopper 9, जो कि रिटेल शॉप के लिए बनाया गया, जस्ट लाइक बिग बाजार, स्पेंसर, जहाँ पे लाखों प्रोडक्ट, लाखों तरह के प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, और उसमें भी अलग अलग स्कीमें चलती हैं, किसी में कुछ डिस्काउंट होता है, किसी में कुछ डिस्काउंट होता है, कभी ब्लैक फ्राइडे चलाते हैं, कभी दिवाली धमाका ऑफर चलाते हैं, पता नहीं कौन कौन से ऑफर चलाते हैं, समझ रहे हो। तो वो सारी स्कीम्स अगर डालनी है ईजिली इसमें हो जाती है, और आप सभी को पता वो स्कैनर होता है, स्कैन करते खटाक से उसका प्राइस आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, वो सारी फैसिलिटी इसमें है। ओके सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेवलपर यानी कि जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स होते हैं उनके लिए बनाया है टैली ने Developer 9, टैली प्राइम डेवलपर उसको बोलते हैं, उस सॉफ्टवेयर का नाम है टैली प्राइम डेवलपर। इसके जरिए हम अपनी टैली में कोई भी चेंजेस करा सकते हैं, जैसे आप चाहते हो हम जब इनवाइस हम बिलिंग करें उसमें हमारा ट्रक नंबर नहीं आ रहा, हम चाहते हैं उसमें एक ट्रक नंबर का भी ऑप्शन आए, तो वो सब कुछ कर सकते हो। तो इसके लिए उन्हें TDL पढ़ना पड़ता है। TDL मतलब टैली डेफिनेशन लैंग्वेज, टैली डेफिनेशन लैंग्वेज जिस लैंग्वेज पे बेसिकली हमारा टैली डेवलप किया गया। लैंग्वेज आप समझ लो, लैंग्वेज के जरिए ही हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे आपने सुना होगा सी, सी प्लस प्लस, जावा, .NET, पाइथन, ये सब बेसिकली लैंग्वेजेस होते हैं जिसपे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो टैली की अपनी खुद की लैंग्वेज है जिसको हम लोग बोलते हैं TDL, टैली डेफिनेशन लैंग्वेज। तो कोई आपसे बोले क्या सी पे बनाए, जावा पे बनाए टैली, तो नहीं, टैली किस पे बनाए, TDL पे। अब जरा देखा जाए इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब होता है जैसे टैली आज, जैसे टैली प्राइम आज दिखता है वैसा पहले नहीं था। तो शुरुआत किससे हुई थी, शुरुआत हुई थी 4.0 वर्जन से, और डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम उस समय चला चला करता था, ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी हुआ करती थी, नो माउस। ओके, उस पे हम लोग काम करते थे, उस समय का टैली नया नया ऑप्शन था लोगों के लिए हिसाब किताब मेंटेन करने के लिए, तो ये पॉपुलर हुआ 4.0। फिर आया डॉस पे ही बेस्ड था, 5.4 आया विंडोज अकाउंटिंग प्लस, यहाँ पे स्टॉक भी मेंटेन कर सकते थे। 6.3 में ऊपर की डू मतलब ऊपर की सारी चीजें थी, प्लस ODBC कनेक्टिविटी आ गई। ODBC मतलब अदर डेटाबेस कनेक्टिविटी। इसके जरिए हम दूसरे सॉफ्टवेयर जैसे एक्सेल पे भी हम अपने रिपोर्ट्स को भेज सकते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। 7.2 में ऊपर की सारी चीज़ें थी, इसमें वैट आया था 2004 में, ये बात है। 8.1 इसमें 8 लैंग्वेजेस, अब हम लोग टैली में हिंदी, गुजराती, मराठी में भी हम लोग, बंगाली में भी हम लोग हिसाब मेंटेन कर सकते थे। आप लिखोगे इंग्लिश में RAM, हिंदी में लिखाएगा राम, ठीक है ना, दैट्स इट। इस तरीके से एक तरह से समझ सकते हैं। Tally 9 आया जिसमें ऊपर की सारी चीज़ें थी, इसमें पेरोल एक्साइज भी ऐड कर लिया। फिर Tally.ERP 9 ऊपर की सारी चीज़ें थी, इसमें एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP जुड़ा। अब ERP क्या होता है इसको आपको थोड़ा डिटेल में समझना होगा। बाकी Tally.ERP 9 का रिलीज 6, जब आपका GST इंट्रोड्यूस हुआ 1 जुलाई 2000,
17 में, तो 1 जुलाई से पहले ही टैली वालों ने Release 6 लॉन्च कर दिया था, जिसमें जीएसटी इनेबल था, यानी जिस पे आप जीएसटी लगा सकते थे। फिर अभी आपको पता है लास्ट वर्जन टैली ERP 9 का कौन सा था? Release 6.6.3। Release 6 से स्टार्ट हुआ था, फिर 6 का 6.1 आया, 6.1.1 आया, पता नहीं कितना कितना आया, इस समय 6.6.3 आ रहा था। अभी नवंबर में इन्होंने अपडेट कर दिया अपना टैली पूरा, एक तरीके से इन्होंने वर्जन ही चेंज कर दिया, और इन्होंने जो लॉन्च किया लेटेस्ट वर्जन ऑफ टैली इज टैली प्राइम Release 1। तो हम लोग टैली प्राइम पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको हल्का सा वेबसाइट पे थोड़ा सा घुमा दूँ। ये वेबसाइट है टैली सॉल्यूशन प्राइवेट सॉरी टैली सॉल्यूशंस डॉट कॉम। आप इसको एंटर करेंगे। सबसे पहली चीज, अगर हमें टैली का सॉफ्टवेयर या टैली के बारे में जानना है तो आप अबाउट अस में जाइए, गेट टू नो अस। और जो मैंने अभी आपको स्टोरी सुनाई थी तो ये इनकी जर्नी में पूरा लिखा हुआ है, आप खुद भी पढ़ सकते हो। 30 ईयर एगो श्री श्याम सुंदर गोयनका मूव्ड आउट ऑफ कोलकाता टू सेटअप हिज टेक्सटाइल बिजनेस इन बैंगलोरो और फलाना ढकाना। जो मैंने स्टोरी सुनाई वही सेम है, आप अगर पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। ठीक नाउ, अब हम लोग बात करेंगे किसकी। ही इज भरत गोयनका। ठीक है, इनके यूट्यूब पे वीडियो भी है, आप उसको देख भी सकते हैं, इन्होंने अपनी स्टोरी खुद बताई है। ये तो सर समझ में आ गया। सर अगला पॉइंट, सर अब प्रोडक्ट की बात करेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। तो टैली प्राइम आता है, टैली प्राइम सर्वर आता है, Shopper 9 आता है। ठीक है, फिर जहाँ तक बात करते हैं सर्विसेज के लिए तो Developer 9 आता है। अब वो कहाँ से मिलेगा आपको? बाई, अगर हम बात करें क्या डाउनलोड, डाउनलोड्स में अगर जाते हो तो ये देखो टैली प्राइम है, ये आप फ्री में यहाँ पे बैठे बैठे डाउनलोड कर लीजिए। इस बटन पे क्लिक करिए, क्लिक देखो मैंने किया, और क्लिक करते ही देखो यहाँ पे सेटअप फाइल मिल गई आपको। अब इसको कहीं भी डेस्कटॉप पे या कहीं भी रखो और सेव कर लो। ठीक है ना, तो ये आपका फाइल मिल जाएगी, मुश्किल से 35 या 36 MB की है, वो डाउनलोड हो जाएगी, उसको रन कर लीजिए। ठीक है, मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है तो मैं फिर से डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। फिर देखो टैली प्राइम सर्वर बताया था मैंने, ये किसके क्लास किसके लिए बनाया गया? इंटरप्राइज क्लास प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है ये? इंटरप्राइज क्लास प्रोडक्ट है, ये बड़ी कंपनियों के लिए। Shopper 9 आपको बता दिया था रिटेल शॉप्स के लिए बनाया गया है। दो तरह के Shopper 9 आते हैं, Shopper POS, Shopper HO। HO मतलब हेड ऑफिस, POS मतलब जहां से सामान बिक रहा है। टैली प्राइम डेवलपर, ये आप समझिए देखो ये लिखा है कोडिंग सिस्टम, कोडिंग करने के लिए। आजकल ही आता है, हमारा बच्चा भी कोडिंग सीखेगा, खैर और दूसरी बात होगी। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? Developer 9। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी लैंग्वेज है? टैली की लैंग्वेज है, उसको सीखने के लिए, डेवलपर्स के लिए, हम लोग के लिए। हम लोग इसको नहीं सीखते हैं, हम लोग क्या सीख सकते हैं? Shopper 9, टैली प्राइम सर्वर, ओके, और टैली प्राइम। तो फिलहाल हम लोग क्या सीखना है? टैली प्राइम सीखना है, ना Server 9 ना Shopper 9। अगला बढ़ते हैं हम लोग। सर अगर मान लो मेरे को परचेज करना है तो आपको बाई नाउ में जाना है। जब बाई नाउ में जाते हो तो टैली प्राइम का ये प्राइस दिखता है। अब टैली प्राइम में देखो सिल्वर आ रहा है, गोल्ड आ रहा है। सिल्वर खरीदना तो कितने का? 18,000 का वन टाइम कॉस्ट है, आपको देना पड़ेगा 18,000। तो इसकी कॉस्ट है, प्लस इस पे GST भी 3,240 रुपये जुड़ेगी 18% की रेट से। तो करीबन कितना हो गया भाई रंजीत? 21,200, मैंने 21,240 रुपीज़। नाउ गोल्ड अगर ले हुए ना तो 54,000 प्लस 9,720 रुपीज़ GST, यानी दैट मीन 63,000 अप्रॉक्स आपका ये पड़ेगा। सही है फलक? ओके नाउ अगर हम रेंट पे लेना चाहते, मान लो मेरा बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ है और मेरे को लग रहा पता नहीं टैली मेरे बिजनेस के लिए सफी सही है कि नहीं, एक बार जरा हम इसको चला के देखें तो सही मेरे बिजनेस के लिए सही है कि नहीं। मैं अभी 18,000 दे दूं या मैं 60,000 रुपये दे दूं, तो एक बार से पहले चेक तो कर लूं एक महीना चला के। तो उसके लिए मैं चाहूँ तो फॉर टेस्टिंग पर्पज मैं सिल्वर रेंटल पे ले सकता हूँ। 1 महीने का रेंट होता है 600 रुपये, 108 रुपये GST दोनों मिला के 708 रुपये। 2-3 महीने का भी ले सकता हूँ, 12 महीने का भी ले सकता हूँ, है ना, इस तरीके से। और सर गोल्ड, गोल्ड में देखिए गोल्ड भी रेंटल पे आता है, 1800 प्लस 324 यानी 2,124 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा ये गोल्ड रेंटल पे। तो 1 महीना चलाइए, रन करिए, अगर आपके बिजनेस के लिए सूटेबल है तो आगे परचेज कर लीजिए फुल वर्जन, आइदर छोड़ दीजिए, आपका ज़्यादा पैसा नहीं डूबेगा। इज दैट क्लियर? सर ये तो प्राइम के बारे में हो गया, और सर बताइए टैली प्राइम डेवलपर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, टैली में जो कस्टमाइजेशन करते हैं, टैली को आप कस्टमाइज करते हैं, टैली में जो भी चेंजेस करना वो यहीं से होता है,
तो इसके लिए देखिए ईयरली पेमेंट है, ये वन टाइम नहीं खरीद सकते हो, इसके लिए 9,000 पर ईयर है ना, सिल्वर है। और अगर गोल्ड, मान लो मेरा बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का ऑफिस है, मेरे बहुत सारे लोग बैठ करके वो प्रोग्रामिंग करते रहते हैं, है ना, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, गोल्ड लेना होगा मल्टी यूजर। उसका दाम देखो कितना है, 27,000 प्लस 4,860। आप एक्सक्लूसिव जीएसटी में बता रहा हूँ, जीएसटी आप इसमें इंक्लूड कर लेना 18%। शॉपर नाइन आपको पता है रिटेल शॉप्स के लिए या पॉइंट ऑफ सेल के लिए कितने का है, 1 महीने का सिल्वर है, मैं 12 महीने का देख रहा हूँ एनुअल। ये भी रेंट पे ही मिलता है, ये वन टाइम कॉस्ट नहीं है, रेंट पे मिलेगा साल भर के लिए 7,200 प्लस 7,200 प्लस 1,296। गोल्ड लेना है 21,600। सर गोल्ड क्या मतलब कि मेरे को बिग बाजार मतलब टाइप का दुकान है, मेरे पास कई बिलिंग काउंटर रखना चाहता हूँ, तो मेरे को लेना ही पड़ेगा। हाँ वो बता रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। अब जैसे देखें डायमंड, डायमंड किस लिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका हेड ऑफिस है एक जगह, अब वहाँ से बैठ करके आप क्या होता है, वहीं से प्राइस वाइज सब सेट कर दी जाती है, पूरे इंडिया में कहीं भी आपकी बिलिंग होगी अब उसी प्राइस के अकॉर्डिंगली होगी जो प्राइस वहाँ से सेट की जाएगी। तो ऐसे में आपको ये चाहिए होगा डायमंड, इसका प्राइस कितना है, 1,44,000 प्लस 25,920 रुपीज़। अब इंटरप्राइज क्लास होगा, टैली प्राइम सर्वर है जो बड़ी बड़ी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई गई, उसके दाम है 2,70,000 प्लस GST 48,600। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें, हम लोग को लगता है टैली सिर्फ टैली ही बनाता है स्मॉल डीलर्स के लिए, नहीं, टैली आज इंटरप्राइज क्लास के लिए भी प्रोडक्ट बना रहा है, रिटेल शॉप्स के लिए भी प्रोडक्ट बना रहा है, ये हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है ना। मैं इसे पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन इनके बारे में बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन, क्योंकि आप जब टैली पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट आपको टैली के बारे में, कंपनी के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए, बात समझे ना। उसे डाउनलोड कैसे करना है, आप लोग जैसे एक सबसे बड़ी गंदी आदत मैं देखता हूँ, लोग एक दूसरे से मांगते, सर टैली तुम्हारे पास है, टैली तुम्हारे पास है, जरा पेन ड्राइव में देना, इसमें देना, उसमें देना। अरे सर जी क्या ज़रूरत है, मुश्किल से 36 MB का सॉफ्टवेयर है, आप इंटरनेट ऑन करो अपने कंप्यूटर में, कहीं से भी आसानी से वाईफाई से ऑन कर लो, और यहाँ इस वेबसाइट पे जाओ, और वेबसाइट पे जाने के बाद ठीक है ना, यहाँ डाउनलोड्स में सीधे सीधे बटन दिया हुआ है, डाउनलोड्स में जाना और यहाँ पे डाउनलोड बटन लेटेस्ट वर्जन दिया रहेगा, यहीं से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब डाउनलोड कर लीजिए, मान लीजिए मैंने डाउनलोड, चलिए यहाँ कर लेता हूँ फिर से, हालांकि मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है, ये देखिए 38 MB, 38 MB का सॉफ्टवेयर हो भी गया डाउनलोड, कितना देर लगा। फिर इसके बाद इसको ओपन कर लीजिए, शो इन फोल्डर, और इसको रन कर दीजिए। तो कोई इतना बड़ा डील है ही नहीं, बहुत सिंपल है, ओपन ही कर लेते हैं। ओके ये मैसेज आएगा, यस हाँ इंस्टॉल करना चाहते हैं, इट विल टेक सम टाइम बट यू हैव टू टेक सम पेशेंस, है ना, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे बटन आ रहा है क्या, अल्टर प्राइम 1.0, ऑलरेडी मेरे में क्या है, डाउनलोडेड है इसलिए आ गया, वरना पुराना वर्जन अगर आपका होता तो यहाँ पे पुराना वर्जन आता 6.6.3, टैली आर पी 9 6.6.3। मॉडिफाई कॉन्फ़िगरेशन, मोर एक्शन, कॉन्फ़िगर अगर कॉन्फ़िगर करना है ना, मोर एक्शन पे जाना है, मोर एक्शन में क्या करना है, अल्टर करना है, रिपेयर करना है, रीइंस्टॉल करना है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो हमें सब नहीं करना है, कॉन्फ़िगर करना है ना। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दे रखा है, अभी हमें ये सब चीज़ें कुछ नहीं करनी है, अल्टर दे रखा है ऑप्शन, लेकिन सर अगर यहाँ पे अल्टर नहीं होता, यहाँ पे अपडेट का बटन होता, अगर आपके टैली में पहले से प्राइम नहीं होगा तो, मेरे में तो पहले से प्राइम है इसलिए अल्टर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, सिंपल सा रन चलाना होता है, आपका टैली इंस्टॉल हो जाएगा। और देखिए नया टैली कैसा दिखता है, टैली प्राइम दिख रहा है यहाँ पे आपको, आइकन चेंज हो गया है, आप इंटर करते हैं इसके ऊपर, तो ये है टैली प्राइम का ओरिएंटेशन कह सकते हो। ओके सो ये सबसे पहले बोल रहा है क्या एजुकेशनल खोलना है कि लाइसेंस वर्जन खोलना है, कैसे ओपन करना है आपको, ठीक है। तो
लाइसेंस या एक्टिवेट लाइसेंस ये सब जो आपने क्या पेड वर्जन आपका होगा तब आप इनका यूज़ करिएगा। फिलहाल हमें एजुकेशनल करना है तो हम लोग टी दबा सकते हैं, इस पे इंटर कर सकते हैं। एक और इंटर कर लीजिए, ये है टैली का विंडो। ओके फर्स्ट स्क्रीन क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, सो अब चलिए देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं हल्का सा। अगर हमें एक कंपनी क्रिएट करना है टैली के अंदर, टैली के अंदर कंपनी वंपनी क्रिएट करना बाद में, पहले तो हमें ये समझना होता है टैली के विंडो को समझना है। सबसे ऊपर देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ पे भी ये क्लोज रिस्टोर मिनिमाइज का बटन होता है इसको हम टाइटल बार कहते हैं। और इसमें देखो टाइटल लिखा भी है कि क्या खुला है, टैली प्राइम एडू, एडू मतलब एजुकेशनल। ओके मैनेज कैसे करना है, मैनेज के लिए कंपनी डेटा एक्सचेंज ये सब बटन, गो टू बटन दे रखा है, बहुत ही पावरफुल फीचर ऐड किया है इन्होंने गो टूज के थ्रू। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मेल प्रिंट ये सब कर सकते हो यहीं से बैठे बैठे, है ना? यानी यहीं से आप स्क्रीन से, यानी होम स्क्रीन से ही आप बैठे बैठे कोई भी वाउचर प्रिंट कर सकते हो, कोई भी रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये बटन प्लेट है, यहाँ पे बटन दे रखे हैं शॉर्टकट। ठीक है, अभी देखो नॉर्मली दिख रहा है F2 डेट, F3 दिख रहा है कंपनी। अगर मैं एल्ट दबा दूँ तो एल्ट भी बताएगा, एल्ट में देखो होल्ड करके रखा हूँ तो बता रहा है L2 से क्या होता है पीरियड, L F3 से क्या होता है सेलेक्ट कंपनी। अब मैं एल्ट छोड़ रहा हूँ, अब क्या दिखा रहा है नॉर्मल की। अगर मैं कंट्रोल होल्ड करूंगा तो Ctrl F2 भी बता रहा है, Ctrl F3 से शट कंपनी होता है ये बता रहा है। तो अब शट कंपनी पहले L F1 से होती थी, अब क्या है Ctrl F3 से हो रही है। ठीक है ना, और F3 से सेलेक्ट कंपनी होता है, कंपनी सेलेक्ट करने के लिए F3, पहले F1 हुआ करता था। खैर ज़्यादा हम पीछे वाली बात नहीं करेंगे वरना लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, हम लोग फ्रेश ही बात करते हैं। अब बाय डिफॉल्ट एक कंपनी खोल रखी है अमन प्राइवेट लिमिटेड। सबसे ऊपर देखिए टाइटल बार था, अब ये विंडो देखिए दो हिस्सों में बटा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं टैली इन। यहाँ पे क्या होता है स्टेटस विंडो, क्या बोलते हैं स्टेटस विंडो। यहाँ स्टेटस बताता है कौन सी कंपनी खुली है, लास्ट डेट उसकी कौन सी एंट्री का है, करंट पीरियड क्या है, 2021 की कंपनी है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वर्किंग विंडो या फिर कह सकते हो मेनू विंडो। यहीं पे हम लोग जाते हैं ऑप्शंस के अंदर जहाँ पे हमें काम करना है, और यहाँ लिखा भी है गेटवे ऑफ टैली। जैसे आपके घर में घुसने के लिए एक गेट होता है, वैसे इस कंपनी के अंदर जाने के लिए, अमन प्राइवेट लिमिटेड के लिए जाने के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है गेट, दैट इज गेटवे ऑफ टैली। बस इतनी ही स्क्रीन है, तो एक टाइटल बार हो गया। ओके इसको हम लोग स्टैंडर्ड बटन कह सकते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार भी बोल सकते हो आप। बाकी ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक हो गया आपका स्टेटस विंडो, एक हो गया वर्किंग विंडो या मेनू विंडो। और इसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, ये यहाँ पे शॉर्टकट कीज शो होगी जिसको हम लोग बटन प्लेट भी कह सकते हैं। ठीक, दैट्स इट। तो अब चलिए हम लोग कंपनी बनाते हैं। कंपनी बनाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, ये एल्ट के है कंपनी के अंदर, एल्ट के में जाएंगे। और यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन आता है क्रिएट, एल्टर चेंज सेलेक्ट शर्ट। तो हम लोग पहले क्रिएट कर लेते हैं कंपनी। ओके बाय डिफॉल्ट आप लोग जब अपनी पीसी पे खोलोगे तो आप लोग कुछ ऐसा दिखेगा, छोटा सा विंडो। ठीक है, अब आप लोग को पता है इसमें कंपनी नेम आ रहा है, कंपनी नेम हमने डाल दिया। ये टैली पाथ है कहाँ पे कंपनी सेव होगी, यहाँ पे कंपनी का नाम हमने लिख दिया कि क्या याहू गूगल कंपनी है ना लिमिटेड सपोज। ओके मेलिंग एड्रेस, फिर एड्रेस लिख सकते हैं आप कहाँ पे हो। ठीक है, ओके स्टेट, स्टेट आप पकड़ाओगे, पहले स्टेट मांग, पहले कंट्री पहले मांगता था, अब स्टेट पहले मांग रहा, तो उत्तर प्रदेश में डाल देता हूँ। कंट्री पे देखो नहीं आया मेरा, स्किप कर गया सीधे नीचे, तो बैक स्पेस करके वापस जा सकते हो। तो इतनी सारी कंट्री है, अगर कोई कंट्री यहाँ नहीं दिख रही है और आपको अपनी नई कंट्री बनानी है तो यहाँ से न्यू कंट्री करके उस कंट्री का नाम मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल तो मुझे इंडिया इंडिया लेना है, सही है। पिन कोड हो गया 2730001। सर कब से फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 2020 बुक्स बिगिनिंग 1 अप्रैल 2020, यानी फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल को ही स्टार्ट होता है। और बुक्स भी कब से स्टार्ट करेंगे हम, 1 अप्रैल से ही। फिलहाल तो इतना ही लेके चलिए, आगे मैं और डिटेल में समझाऊंगा धीरे धीरे।
बेस करेंसी सिंबल क्या है, रुपी है। अब ये रुपी गलती से मान लो डिलीट हो गया, तो इसको लाने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ 4, या फिर कंट्रोल के साथ डॉलर साइन। यू कैन से कंट्रोल के साथ डॉलर साइन आप क्लिक करिए, देखो रुपी का सिंबल आ गया, इंटर करिए। इसको पूरा नाम क्या कहते हैं, INR, इंडियन रुपीज। और भी कई ऑप्शन होते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। उसको लाने के लिए यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, F12 देखो यहाँ पे हाईलाइट भी है। F12 मैं दबाता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे आ रहा है प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, हमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी चाहिए, कंपनी का मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर भी मेंटेन करना है, तो यस कर लीजिएगा। कहता है टैली वोल्ट पासवर्ड, पासवर्ड वासवर्ड भी डालना है, तो उसके लिए इसको यस कर सकते हैं, है ना। चलिए पहले तो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल बस यस करता हूँ। तो अब देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स आने लगे, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट। आपको बता दूं, इससे पहले जो हम टेलीकॉम में कंपनी क्रिएट करते तो वहाँ क्रिएशन में F12 नहीं कर सकते थे, कॉन्फ़िगरेशन क्रिएशन में नहीं आता था, यहाँ पे अब आ रहा है। यहाँ पे आप अपने अनुसार मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जो चीज़ चाहिए। वेबसाइट समझ के अपने हिसाब से भरो, फिर F12 करता हूँ। पासवर्ड चाहिए, यस, तो पासवर्ड भी है, देखो ऑप्शन आने लगा। अब यहाँ पे देखो सिक्योरिटी पासवर्ड का ऑप्शन आने लगा, फिर F12। कहता है यूज एक्सेस कंट्रोल भी चाहिए, एक्सेस कंट्रोल भी चाहिए, तो एक्सेस कंट्रोल भी आने लगा, फिर F12 दबाता हूँ मैं। कहता है कि एडिशनल बेस करेंसी, करेंसी से रिलेटेड और भी डिटेल्स चाहिए, अब ये नीचे आ गया पूरा। समझ गए सब लोग, तो फॉर्मल नेम पूरा नाम क्या, INR, सिंबल और सफिक्स अमाउंट एंड सिंबल। क्या सिंबल और अमाउंट हमेशा चिपका रहे, जब भी हम कहीं अमाउंट लिखें हमेशा सिंबल आ जाए, कोई ज़रूरी नहीं है, तो नो ही रहने दीजिए। एड स्पेस बिटवीन सिंबल एंड अमाउंट, अमाउंट और सिंबल के बीच में थोड़ा स्पेस होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। सो अमाउंट इन मिलियन, ये तब यस करेंगे जब हमारा टर्नओवर करोड़ों में होगा और हम जीरो देख के कन्फ्यूज हो रहे होंगे, तो उसके लिए हम मिलियन यस करेंगे। तो मिलियन बराबर होता है, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है, तो 10 लाख की जगह कितना लिखा रहेगा, 1 मिलियन। तो पढ़ने में आसानी होगी, मान लो 1 करोड़ है, दिखेगा क्या, 10 मिलियन हो गया 1 करोड़। फिर क्या, दशमलव के बाद कितने स्थान तक ले, 2 स्थान तक। फिर दशमलव के बाद के हिस्से को बोलेंगे क्या, पैसे। फिर जब वर्ड्स में प्रिंट करें तो दशमलव के बाद के कितने स्थान को वर्ड्स में प्रिंट करें, 2 स्थान को। जैसे मान लो 5,540 रुपीज 33, 33333 पैसे है, तो वर्ड्स में सिर्फ 33 पैसे कन्वर्ट करें ना, कितना, 33 पैसे, बस एंटर करिए, एक्सेप्ट, यस। अब जैसे ही कंपनी क्रिएट हो गया, जैसे ही कंपनी आपका क्या हो गया, क्रिएट हो गया, तुरंत फीचर्स आते हैं कि आप यहीं से फीचर यस नो कर लो। हाँ, और बाय डिफॉल्ट मैंने तो सारे फीचर्स ऑन कर रखे हैं, वरना ऐसे होता है, बस इतने ही फीचर आपको, अकाउंटिंग में 2 फीचर दिखेंगे, इन्वेंट्री में 2 फीचर दिखेंगे, टैक्सेशन में सिर्फ GST और TDS दिखेगा। तो मैं कहता हूँ क्या, शो मोर फीचर्स, आप सो मोर फीचर्स को यस कर लीजिए। तो सो मोर फीचर को यस किया तो ये सारे आ गए। अकाउंटिंग में देखो कुछ फीचर्स बढ़ गए, इसमें भी फीचर्स बढ़ गए, टैक्सेशन में फीचर्स बढ़ गए, और इसमें कहता सो ऑल फीचर, सारे फीचर हमें देखने हैं, ऑल फीचर को यस कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखो वो सारे फीचर्स आ गए। अब टैक्स में भी देखो वैट भी आ गया, हालांकि वैट यहाँ पे नहीं लगता है, GST हमें फिलहाल यूज नहीं करना, तो नो करके आगे बढ़ेंगे। तो वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स अगर आपको करना है यूज तो करिए, जैसे पेट्रोल पंप वाले अभी भी यूज कर रहे हैं, उन्हें एक्साइज भी अभी मेंटेन करना पड़ रहा है, तो अपना यूज करेंगे, ठीक है। और इसको एंटर एंटर करके फाइनली एक्सेप्ट, अब जाके कंपनी क्रिएट होगी, अब जाके कंपनी क्रिएट होगी। जब भी हमें फीचर्स यस करना है, फीचर्स के लिए शॉर्टकट की वही है F11। कौन सी कंपनी के फीचर्स में जाना है, याहू में कि अमन में, तो याहू के फीचर्स में जाना है, आगे फेस में वहाँ जो भी यस नो करना है करिए, ठीक है। तो ये हमने कंपनी क्रिएट करना होती है, कंपनी क्रिएट करने के लिए किस पे जाना है, अब Alt K, क्या होता है Alt K, यहाँ से क्रिएट कंपनी।
अगर शट कंपनी करना है तो कंट्रोल एफ थ्री शॉर्टकट है, एंटर करिए। कौन सी कंपनी शट करनी, मान लीजिए अमन को शट करना है, शट मतलब क्लोज। तो ये देखो यहाँ से क्लोज हो गई, इसको भी क्लोज करना है, इसके लिए भी कंट्रोल एफ थ्री हमने दबा दिया, तो शट कंपनी खुल गया, ये भी कंपनी क्लोज है ना। इस समय कोई कंपनी नहीं ओपन है, अगर कोई कंपनी ओपन नहीं होगी तो ऐसा ही दिखेगा। अब सर कंपनी सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे दिख रहा है, आप कोई टाइप कर दो अपनी कंपनी का नाम, याहू, याहू गूगल कंपनी, इंटर करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट भी होगी। अब क्या करना है, तो एल्ट के साथ के, हमने क्रिएट देख लिया। अल्टर, कोई चेंजेस करना है अपनी कंपनी के अंदर, अल्टर करिए, और यहाँ से कुछ भी एड्रेस एड्रेस सही करना था सही कर लीजिए। ठीक है, और कंट्रोल ए से सेव, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट होता है शॉर्टकट, क्या होता है कंट्रोल ए से, जैसे देखिए अल्टर मैंने किया ना। अब अगर मान लो मैंने यहाँ बस एड्रेस चेंज किया, अब उसके बाद मेरे को कितने एंटर करने पड़े, बहुत सारे एंटर करने पड़ेंगे। अब मैं एंटर नहीं इतना करना चाहता तो कंट्रोल ए दबा दूँ। तो अभी आज सिर्फ इतना ही पढ़ा हम लोगों ने, एल्ट के अंदर क्रिएट अल्टर सेलेक्ट कंपनी पढ़ लिया, शट कंपनी पढ़ लिया। ठीक है, बाकी के फीचर्स आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। और हाँ, बैकअप रिस्टोर देखो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा होगा आपको, क्योंकि बैकअप रिस्टोर हम लोग को पढ़ना होगा कहाँ पे, इसके अंदर डेटा के अंदर, अल्ट के साथ वाई, इसमें जाएंगे तो बैकअप रिस्टोर मिलेगा हमें। ठीक है, सो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये डे वन का वीडियो था, डे वन मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा हैवी हो गया है, लेकिन फिर भी बेसिक से आप समझ सकते हो। एक दिन थोड़ा सा देखो, फिर बाद के दिन अगला अगला देख लो अगर थक गए तो। और अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर नहीं अच्छा लगा हो तो एक बुरा सपना समझ के भूल जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।